बरपाली रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, होना शुरू हुआ है। इसे बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं। ये बिल्डिंग सब तोड़ दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। रेलवे के स्टाफ, रेलवे स्टेशन मास्टर, मैनेजर कह रहे हैं कि सब तोड़ दिया जाएगा और नई बिल्डिंग तैयार की जाएगी। इससे पहले इधर टिकट काउंटर, यहाँ टिकट काउंटर है। भरपाली में बहुत बड़े स्टेशन की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, 10 साल बाद 15 साल बाद होगी। फिर भी यहाँ डेवलपमेंट कार्य चल रहा है। इधर टिकट काउंटर बन रहा है, यहीं पर विश्रामालय बनेगा, रेस्ट रूम, प्लेटफॉर्म को चौड़ा किया जा रहा है। सुना जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए कुछ लिफ्ट जैसा सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। और उस तरफ इस तरह के मोटरसाइकिल, कार वगैरह के लिए एक बड़ा सा पार्क बनाया जा रहा है। और ये जगह भी तोड़ दी जाएगी, ये जो पार्किंग एरिया है ये तोड़ दी जाएगी। यहाँ शायद पार्क बने या कुछ और चीज़ बने। उस तरफ वो जहाँ गाड़ी खड़ी दिख रही है और कुछ सफ़ेद सफ़ेद बिछा हुआ दिख रहा है, वो मोटरसाइकिल कार पार्क बनेगा। यहाँ के स्थानीय जनता की एक मांग रही है और लिखित मांग भी रही है कि भरपाली के इस सड़क से, जो कि रेलवे का नहीं है, ये स्थानीय एनएससी और राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, से उस तरफ एक बस्ती है, बड़ी बस्ती है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, एक फुट ओवर ब्रिज बनाई जाए। तो अभी तक उसका कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। इस बारे में रेलवे के स्टाफ, मैनेजर वगैरह का कहना है कि नहीं, अभी फुट ओवर ब्रिज इस पार से उस पार नहीं जाएगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म के अंदर तक ही रहेगा, 3 प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगता है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतना खर्च करने की ज़रूरत यहाँ अभी फ़िलहाल नहीं थी। हाँ, उधर जो रेलवे फ्लाईओवर बन रहा है, वो जो 6 साल से बन ही रहा है, उसमें रेलवे का हिस्सा भी अभी तक नहीं बना है। राज्य सरकार, पुरानी राज्य सरकार और नई राज्य सरकार दोनों ने ही भरपाली के इस रेलवे फ्लाईओवर की उपेक्षा कर रखी है। नई सरकार के आने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ और रेलवे का काम भी रुका पड़ा है। तो वो रेलवे का वो काम पूरा किया जाना चाहिए, जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, फ्लाईओवर जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। ये मोटरसाइकिल कार पार्किंग भरपाली रेलवे स्टेशन के लिए बन रहा है। ये एटा तो तुम्हार घर बार भांगी दिया गला, एबे केने जीव ভূমিহীন জমি বাড়ি কিছু সরকার তরফ রু এনএসি তরফ রু কিছু মিললা কিছু নাই আয়া কিছু সহযোগ না করবা তাক টাইম মন কে আসু জন আছে মানে কহু জলদি তোম সুবিধা কই দেব বলি কি সেটি লাগি কে সুবিধা না করবার লাগি আমি গুলগুলা হইছু সামনে ছোট ছোট জমি কেন কেন কি রহমু আগে এটা কেন রহমু তাই এবে যে আর পুরা ঘর ভাঙি দিয়া জিবা এটা তো পুরা ভাঙি দেলে এটা সবু যেন ভাঙি দিয়া যাবা
तबे केने जीवो आ हम कहू हम को एनसी चेयरमैन हो कि किछ भी हो हम को सुविधा करू ना रासे जे टिके रचे हो जे सारा भी पहुंचे के रखन देला हम जे हमर पैसा पतर किछ नै हम खावा लागि ओढिया नै हम तो गुलगुला है जे सेति लागि हम आपन को अनुरोध कर दू जे इति लागि हम तहसीलदार पाके अपन माने जाईथिले सड़क चौड़ा करने के नाम पर रेलवे ने गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी। सड़क चौड़ा करना जरूरी है, भरपाली में बहुत सारी सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, यह सही है और यहाँ भी जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन तो चाहिए नहीं। बहुत बहुत साल से गरीब यहाँ झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, 15 दिन बाद ये झोपड़ी जो बची हुई है ये सब तोड़ दी जाएंगी। यहाँ कम से कम 100 परिवार रह रहे थे, कम से कम 600-700 लोगों की एक बस्ती रही। इन्हें सरकारी ज़मीन भी नहीं मिली है कहीं, राज्य सरकार की ओर से ना NSC की ओर से ना तहसीलदार की ओर से नहीं मिली है, ऐसा लोगों का कहना है। विकास के नाम पर गरीबों को तो उजाड़ा जा रहा है और विकास के नाम पर देश को भी लूटा जा रहा है। तुम और झोपड़ी वाला एक तरफ अंबानी अदानी टाटा बिड़ला वेदांता जो खरब पति हैं, अरबों अरबों के पति हैं, तो गरीबों को 1 डिसमिल 2 डिसमिल 3 डिसमिल ज़मीन भी नहीं दी जा रही घर बनाने के लिए और उजाड़ दिया जा रहा है।